गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको वीडियो नंबर 29 में अंडाशय में अनेक बीजांड पाए जाते हैं, एक या एक से अधिक बीजांड पाए जाते हैं, अर्थात हमने अंडक की संरचना का अध्ययन किया था कि अंडक गुरु बीजाणु कण का रूपांतरण होता है। अंडक को हम स्त्री केसर भी कहते हैं, तो एक स्त्री केसर पुष्प का मर्द अंडांग होता है जो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय से मिलकर बना होता है। अंडाशय में एक या अनेक बीजांड पाए जाते हैं जिन्हें गुरु बीजाणु धानी कहते हैं, क्योंकि बीजांड गुरु बीजाणु धानी का रूपांतरण होता है। तो इस वीडियो में, तीसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे एक प्रारूपिक आवर्त बीजी बीजांड प्रकट में गुरु बीजाणु धानी की संरचना। एक प्रारूपिक देखिएगा, हेडिंग है आपका एक प्रारूपिक, एक प्रारूपिक आवर्त बीजी, एक प्रारूपिक आवर्त बीजी बीजांड में गुरु बीजाणु धानी, गुरु बीजाणु धानी, क्योंकि बीजांड गुरु बीजाणु धानी का रूपांतरण होता है। एक प्रारूपिक आवर्त बीजी बीजांड की संरचना, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे वीडियो नंबर 30 में। तो गौर फरमाइएगा कि जो बीजांड होता है वो गुरु बीजाणु धानी का रूपांतरण होता है, इसलिए बीजांड को गुरु बीजाणु धानी भी कहते हैं। अब देखिएगा, हमने आपको बताया था कि एक दंडना अंडाशय में एक या अनेक बीजांड पाए जाते हैं दंडना, जैसे आप ये कह सकते हैं गेहूं, धान और आख के पौधे में केवल एक ही बीजांड या एक ही गुरु बीजाणु धानी पाई जाती है, जबकि आप देखिएगा और जो अनेक जिनके अंडाशय में अनेक बीजांड या गुरु बीजाणु पाई जाती है, पपीता है, तरबूज है और आर्किड आदि पादपों के अंडाशयों में अनेक बीजांड या गुरु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, हम क्या पढ़ रहे हैं, एक प्रारूपिक आवर्त बीजी बीजांड या गुरु बीजाणु धानी की संरचना। तो देखिएगा, एक प्रारूपिक बीजांड या गुरु बीजाणु धानी कैसी होती है, ध्यान देना, किसका रूपांतरण होता है, एक प्रारूपिक आवर्त बीजी बीजांड गुरु बीजाणु धानी का रूपांतरण होता है जो गोल आकार, कैसा होता है, गोलाकार या अंडाकार सेवृत्त युक्त संरचना होती है, ध्यान देना, जो अंडाशय की भित्ति से जुड़ी होती है। अब ध्यान देना, अनुप्रस्थ काट में कैसे दिखाई देती है, अनेक भागों से मिलकर बनी होती है। तो आप इसके बाद डायग्राम को देखें, आप ये बीजांड का है, इसके अंदर ये ग्लूकोस और ये पत्ते हैं अध्यावरण,
18 स्टाइल जिस की स्ट्रक्चर होती है स्लाइस बनाते होती है मतलब अंडाकार या गोलाकार शेप रंग की रंग की यहाँ पर ये सबसे पहले भाग होता है ये निभाग आधारी भाग निभाग से चले जाओ चले जाओ चले जाओ दूसरा जो भाग होता है निभाग इसका जो होता है ये होता है बीजांड का है बीजांड का है तो ये म्यूजिकल एनसीई ये होते हैं अध्ययन अध्या वे अध्ययन ये होते हैं इंटेगुमेंट इन पेडू में ये दो होते हैं ये होते हैं बाह्य अध्ययन बाह्य अध्ययन और दूसरा आंतरिक अध्ययन आंतरिक अध्ययन से बोलते हैं आउटर ओ यू टी आर आउटर इंटेगुमेंट इंटेगुमेंट से बोलते हैं इनर इंटेगुमेंट इनर इंटेगुमेंट ये हमारा भाग हो गया बीजांड का और जो होता है भ्रूणकोश भ्रूणकोश एम्ब्रियो सेट एम्ब्रियो एसकेसी एम्ब्रियो सेट ये होता है बीजांड द्वार बीजांड द्वार इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल माइक्रो और ये यहाँ पर ये जो भाग होता है ये वाला जो होते हैं हाइलम हम उसको क्या कर सकते हैं ये वाला पार्ट हाइलम में नाभिका और ये होता है बीजांड ग्रंथि बीजांड जानवर होता है बीजांड ग्रंथि इसको बोलते हैं फ्यूजिकुलस FUNICULUS फ्यूजिकुलस जानवर और एक स्ट्रक्चर का होती है जिसे हम बोलते हैं बिना तंत्र के स्थान पर
बीजाणु का जो मुख्य भाग होते हैं उसी कोशिकाएं कैसी होती हैं? सजीव, द्विगुणित और मिटोकॉन्ड्रिया होती हैं। सजीव, द्विगुणित और मिटोकॉन्ड्रिया, ये इसकी अंदर संरचना होती है। तो देखिए ध्यान से, ये एक प्रारंभिक बीजाणु चित्र है। देखो ध्यान से क्या होता है कि प्रत्येक गुरु बीजाणु धानी, एक प्रारंभिक गुरु बीजाणु धानी किसको रूपांतरण होती है? गुरु, ध्यान देना, गुरु बीजाणु धानी को क्या बोलते हैं? बीजाणु। क्या पढ़ रहे हैं? एक प्रारंभिक आवर्त बीजी बीजाणु, ये बीजाणु की संरचना है। ध्यान देना, बीजाणु किसको रूपांतरण होता है? गुरु बीजाणु धानी का। तो प्रत्येक बीजाणु गुरु बीजाणु धानी का रूपांतरण होता है। जो गोल या अंडाकार सेवनत्व युक्त संरचना होती है, संरचना कैसे होती है? गोल या अंडाकार सेवनत्व युक्त संरचना होती है जो अंडाशय की भित्ति के द्वारा, संरचना प्रत्येक बीजाणु बीजाणु द्वारा किसी जुड़ी होती है, अंडाशय भित्ति के द्वारा जुड़ी होती है। अब संरचना अंतस्थ केशीय अंगदैर्ध्य का नाम है LS, लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन LS। क्या होती है इसकी? अनुदैर्ध्य का, लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन, अनुदैर्ध्य का। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक बीजांड अनुदैर्ध्य काट में निम्नलिखित भागों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला भाग है इसका मुख्य भाग बीजांड का है, जो आपको रेडियल पोस्टर द्वारा दिखाया गया है। यानी बीजांड का है, बीजांड का है, यानी कैसा होता है? इसी को सकता है बीजांड का ड्यूसिलस, तदना बीजांड का है प्रधान विभाग, तदना बीजांड पंतम, तदना कह सकते हैं हाइलम, तो कह सकते हैं राबे और ग्लूकोस इंटरमेट। ये होता है मिलमित कोशिका के बाहर बीजांड का है अध्ययन। अध्ययन दो प्रकार का होता है, बाह्य अध्ययन और आंतरिक अध्ययन। तथा बीजांड का है वो बीजांड का है, बीजांड का है बीजांड का मुख्य भाग होता है, इससे घेरा होता है अध्ययनों से, बाह्य अध्ययन और आंतरिक अध्ययनों से। बीजांड का कोशिका कैसे कैसे होती है? सजीव होती है, द्विगुणित होती है और मिटोकॉन्ड्रिय होती है। ध्यान देना, इसके बाद में बीजांड का से कौन कौन रह रहता है? भ्रूण कोष एम्ब्रियो से। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार इसकी संरचना होती है। तो आप इसकी स्ट्रक्चर को आप देखिए ध्यान से, अब इसका अध्ययन करते हैं। देखो ध्यान से कि प्रत्येक बीजांड क्या होता है? प्रत्येक बीजांड
प्रत्येक बीजांड गुरु बीजाणु धानी, गुरु बीजाणु धानी का रूपांतरण, गुरु बीजाणु धानी का रूपांतरण होता है। प्रत्येक बीजांड गुरु बीजाणु धानी का रूपांतरण होता है। गुरु बीजाणु मीन्स मेगा स्पोरो, मेगा स्पोरेंजियम, गुरु बीजाणु धानी का रूपांतरण होता है। आगे देखो, यह गोल अंडाकार या तो गोलाकार होगा या अंडाकार, और कैसे सेमेंटियस गोल अंडाकार सेवृंत युक्त, गोल अंडाकार सेवृंत युक्त एवं पर्णों एवं सेवृंत युक्त संरचना कैसी होती है? यह गोल अंडाकार सेवृंत युक्त संरचना होती है, संरचना होती है। प्रत्येक बीजांड या गुरु बीजाणु धानी बीजांड वृत्त द्वारा, बीजांड वृत्त, बीजांड वृत्त द्वारा अंडाशय, अंडाशय की वृत्ति, अंडाशय की वृत्ति से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? अंडाशय की वृत्ति से जुड़ा रहता है। ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है मैंने आपको? प्रत्येक बीजाणु गुरु बीजाणु धानी का रूपांतरण होता है, अर्थात बीजाणु को गुरु बीजाणु धानी भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो देखिएगा प्रत्येक बीजाणु गुरु बीजाणु धानी का रूपांतरण होता है। यह श्वसन कैसा है? गोल अंडाकार सेवृत्त युक्त संरचना होती है। प्रत्येक बीजाणु होता है, प्रत्येक बीजाणु बीजाणु वृत्त द्वारा अंडाशय की वृत्ति से जुड़ा रहता है। अगला पॉइंट है, ध्यान देना कि अनुप्रस्थ काट में, सॉरी अनुदैर्ध्य काट, लंबवत काट बोलते हैं इसको, लंबवत काट या अनुदैर्ध्य काट, लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन। ध्यान दीजिएगा, अनुदैर्ध्य काट में अनुदैर्ध्य काट में, अनुदैर्ध्य काट में बीजांड या गुरु बीजाणु धानी, अनुदैर्ध्य काट में बीजांड निम्नलिखित भागों से मिलकर बना होता है, निम्नलिखित भागों से मिलकर बना होता है, निम्नलिखित भागों से मिलकर बना होता है। जैसे हम कह सकते हैं सबसे पहले बीजांडकाय, बीजांडकाय के लघु भागों में उसके निम्न भाग कहा जाएगा आपको बीजांडग्रंथ, कहा जाएगा आपके हाइलम, और ग्लूकोस, ग्लूकोस। तो देखिएगा अनुदैर्ध्य काट में बीजांड उसकी भागों से मिलकर होता है। इसमें हम कहा गया बीजांडकार सबसे जोशीला, फिर निभाग कहा जाएगा, फिर आगे आपका आ जाएगा बीजांडग्रंथ, फिर हाइलम, राफे, और लास्ट में ग्लूकोस। ध्यान दीजिएगा, अब एक एक का अध्ययन करते हैं।
बीजांड काय होते हैं म्यूसिलस, इसमें म्यूसी प्लस, ध्यान देना इंग्लिश टर्म्स बहुत जरूरी है, आसान रहती है बायोलॉजी के लिए, तो इंग्लिश आप जरूर लिखें, ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा मैंने आपको बताया था अनुप्रस्थ काट में प्रत्येक बीजांड मूल भागों से मिलकर बना होता है, जो आपके सामने दिख रहा है। अब देखिए ध्यान से कि न्यूसिलस बीजांड इसके बारे में चर्चा करते हैं, ध्यान देना बीजांड का है, तो ध्यान देना यह बीजांड का मुख्य भाग होता है, बीजांड का है जो आपको दिख रहा है, यह बीजांड का मुख्य भाग होता है, बीजांड को हम क्या कहते हैं बीजाणु धानी, मुख्य भाग होता है जो सजीव, इसी को इसका कैसे होती है सजीव होती है, द्विगुणित होती है और बहुद्विगीय होती है। तो यह है बीजांड का मुख्य भाग होता है जो सजीव द्विगुणित और बहुद्विगीय कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो देखिएगा यह है बीजांड, तो क्या 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 बोलते हैं गुरु बीजाणु धानी, गुरु बीजाणु धानी बीजाणु को क्या बोलते हैं गुरु बीजाणु धानी भी कहते हैं, क्योंकि यह गुरु बीजाणु धानी का रूपांतरण होता है। तो यह बीजांड का या गुरु बीजाणु धानी का मुख्य भाग होता है, मुख्य भाग होता है। आगे देखिएगा गुरुजन धानी या बीजांड का मुख्य भाग होता है। अब देखो इसी को क्या कैसी है, यह है सजीव, आगे देखो यह है सजीव द्विगुणित एवं मृदुद्विकीय कोशिकाओं, कौन सी कोशिकाओं मृदुद्विकीय सजीव द्विगुणित मृदुद्विकीय कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और फरमाइएगा इसी कोशिकाएं कैसे होती है सजीव द्विगुणित एवं मृदुद्विकीय कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ध्यान देना। अब ध्यान दीजिएगा हो गया ये कोशिकाएं सजीव द्विगुणित और मृदुद्विकीय, अब इसके ऊपर देखो एक और दो अध्ययन, यह एक या दो अध्यायों से भरा हुआ होता है, ये बीजांड का है रेड कलर का, यह एक और दो ये बाह्य अध्ययन है, आंतरिक अध्ययन है, पूरा पूरा एक या दो अध्यायों से भरा हुआ होता है। तो आप देखिएगा इसमें देखो यह है एक या दो अध्यावरणों इंटेगुमेंट्स इंटेगुमेंट्स एक या दो अध्यावरणों से घिरा हुआ क्या होता है ये घोषणा को समझे समूह घोषणाएं बहुत सारी घरा हुआ कोशिकाओं का पुंजीय समूह कोशिकाओं का पुंज होता है तो समूह होता है उन लोगों को समझ भी कह सकते हैं। क्या होता है यह एक या दो अध्ययनों से भरा हुआ कोशिकाओं का पुंज होता है, इसमें आपको बाह्य अध्ययन और आंतरिक अध्ययन दोनों अध्ययन दिखा रखे हैं। आगे देखिएगा आप गौर फरमाइए ध्यान से बीजांड का है इसे बोलते हैं शीर्ष भाग, सॉरी ध्यान देना ये होता है शीर्ष भाग बीजांड का, तो आप ध्यान देना
अध्ययन यहां पर क्या होता है, गिरावा नहीं है। कहां पर बीजांत का है, शीर्ष भाग में अध्ययन द्वारा गिरावा नहीं होता है, इसलिए वहां पर एक छिद्र जैसी रचना बन जाती है। देखिएगा एक छिद्र जैसी रचना बन जाती है, ये वाला क्योंकि यहाँ पर अध्ययन नहीं पाए जाते हैं, यहाँ से ये चला, यहाँ पर छिद्र जैसी रचना बन जाती है, इसका बीजांत द्वार उसका शीर्ष भाग है, इसके जो विपरीत है बीजांत द्वार के विपरीत आधारित भाग क्या होता है, निभाग। ये निभाग का जानना, ध्यान देना, बीजांत का शीर्ष भाग में अध्यावरणों द्वारा घरा हुआ नहीं होता है, इसलिए वहां पर एक छिद्रनुमा मतलब फोर लाइन संरचना बन जाती है, इसे बीजांत द्वार कहते हैं। इसमें आप देखें कि बीजांत का शीर्ष भाग में कौन से भाग में, शीर्ष भाग में बीजांड का है, शीर्ष भाग या बीजांड काय का शीर्ष भाग में बना, बीजांड काय का बीजांड काय का शीर्ष भाग का ध्यान देना, जो जिधर बीजांड द्वार होता है वो शीर्ष भाग होता है और ये आधारित भाग होता है निभाग की ओर, ये पूरी तरह से बन जाती है, तो प्रतीक बीजांड का एक प्रकार का बीजांड काय का शीर्ष भाग जो अध्यावरणों द्वारा घरा हुआ नहीं होता है, जो अध्यावरण द्वारा घरा हुआ नहीं होता है वहां एक छिद्रनुमा संरचना बन जाती है जिसे बीजांड द्वारा माइक्रोपाइल कहते हैं। तो देखिएगा बीजांड काय का शीर्ष भाग होता है, यानी नहीं वाला बीजांड काय का शीर्ष भाग अध्यावर्तन द्वारा घिरा हुआ नहीं होता है, वहां पर एक छिद्रनुमा संरचना बन जाती है, इसे बीजांड द्वार कहते हैं। इसके बाद में इसका जो दूसरा भाग आता है वो आता है आपके, ध्यान दीजिएगा कौन सा, ये पढ़ लिया हमने बीजांड काय, बीजांड काय के बारे में पूरा पढ़ लिया। बीजांड काय क्या होता है, इस बीजांड का मुख्य भाग होता है अंदरा, जो सजीव मृदुत्व के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, कैसे होती है, सजीव मृदुत्व कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यह एक या दो अध्यावरण से घिरा हुआ कोशिकाओं का पुंज होता है, क्या होता है, एक या दो अध्यावरण से घिरा हुआ कोशिकाओं का पुंज होता है, अर्थात आगे देखो बीजांड काय का शीर्ष भाग होता है, ये शीर्ष भाग और ये आधारित भाग, बीजांड काय का शीर्ष भाग अध्यावरण द्वारा घिरा हुआ नहीं होता है, वहां पर एक शीर्ष भाग से बन जाती है, इसलिए हम उसको बीजांड द्वार कहते हैं। दूसरा जो आता है विभाग, और दूसरे बारे में पढ़ेंगे, इसका दूसरा जो भाग है उसको बोलेंगे निभाग, बीजांड का भाग निभाग कलेजा या कलेजा, पढ़ेंगे इसका दूसरा भाग निभाग, निभाग कलेजा, कलेजा कलेजा, ध्यान देना बीजांड द्वार के विपरीत भाग को क्या कहते हैं हम, या फिर हम ये कह सकते हैं बीजांड के आधारित भाग, बीजांड के आधारित भाग को निभाग कहते हैं, यह बीजांड द्वार के ठीक विपरीत दिशा में होता है, ये विपरीत यह बीजांड द्वार के ठीक विपरीत दिशा में होता है। तो आप देखें इसमें परिभाषा लिखने से क्या है, बीजांड के आधार
के भाग को बिना के आधारित भाग को निभाग चले जा चले जा कहते हैं, आधारित भाग को निभाग कहते हैं। नेक्स्ट वन कैच में यह बीजाणु द्वार के ठीक विपरीत दिशा में होता है। तो देखो यह बीजाणु द्वार माइक्रोफाइल के ठीक विपरीत दिशा में होता है, ठीक विपरीत दिशा में होता है। आपका बीजाणु द्वार के ठीक विपरीत दिशा में होता है, मतलब निभाग। आप देखिएगा तीसरा भाग आता है इसमें बीजाणु रंग, ये वाला बीजाणु रंग। तीसरा भाग इसका बीजाणु रंग। प्लस या क्यूनिकल क्या होता है, ध्यान देना ये कि प्रत्येक बीजांड एक व्रंथ जैसी रचना द्वारा बीजाणु रहता है, इसे बीजाणु व्रंथ कहते हैं। देखिए इसमें क्या है, प्रत्येक बीजाणु या भू बीजाणु दानी व्रंथ नुमा कैसी है, व्रंथ नुमा प्रत्येक बीजाणु या भू बीजाणु दानी एक व्रंथ नुमा संरचना से किससे जुड़ा रहता है, बीजाणु से संरचना द्वारा जुड़ा। प्रत्येक बीजाणु एक व्रंथ नुमा व्रंथ जैसी संरचना द्वारा व्रंथ नुमा संरचना द्वारा बीजाणु शासन अपरा बीजाणु शासन से जुड़ा रहता है, जिसे बीजाणु व्रंथ कहते हैं। बीजाणु व्रंथ यूनिकुलस यूनिकुलस कहते हैं। दोबारा देखें प्रत्येक बीजाणु या द्रु बीजाणु दानी, बीजाणु क्या बोलते हैं, द्रु बीजाणु दानी एक व्रंथ जैसी या व्रंथ नुमा रचना द्वारा बीजाणु नासन से जुड़ा रहता है, जिसे बीजाणु ग्रंथ कहते हैं। तो ये बीजाणु ग्रंथ हो गया। अब आगे दूसरा है हाइलम। हाइलम देखिएगा वह स्थान जहां बीजाणु ग्रंथ किससे जुड़ा होता है, बीजाणु से, बीजाणु के साथ जुड़ा होता है, उसे क्या बोलते हैं हाइलम। तो इस प्रकार रचना होती है। और ध्यान से देखें नाभिका भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो कहां होता है, ध्यान देना
वह स्थान जहां बीजांड ग्रंथ, ये बीजांड ग्रंथ है, वह स्थान जहां बीजांड ग्रंथ बीजांड के साथ जुड़ा रहता है, वो पूरा बीजांड है, बीजांड के साथ जुड़ा रहता है, इसे क्या बोलते हैं, आयरन कहते हैं इसको, वह स्थान जहां बीजांड ग्रंथ बीजांड के साथ जुड़ा होता है, जुड़ा होता है तो उसे हायलम कहते हैं, हायलम या नाभिका, हायलम या नाभिका कहते हैं। तो देखिएगा कि वह स्थान जहां जो बीजांड ग्रंथ है बीजांड से जुड़ा होता है उस स्थान पर एक ऐसे समा बन जाती है अंदर दसूरी, इसे क्या बोलते हैं, हायलम कहते हैं। और आगे की संरचना आती है रापे, क्या आती है रापे। देखो कभी कभी बीजांड ग्रंथ के जुड़ने के स्थान पर, यहाँ पर बीजांड ग्रंथ के जुड़ने के स्थान पर एक रचना बन जाती है जिसे क्या बोलते हैं, रापे। तो उभरी रचना का निर्माण हो जाता है, वहां जो पॉइंट है रापे, कभी कभी बीजांड ग्रंथ के जुड़ने के स्थान पर उसमें है, कभी कभी बीजांड ग्रंथ के जुड़ने के स्थान पर एक उभरी हुई संरचना, एक उभरी हुई संरचना पाई जाती है, एक उभरी संरचना पाई जाती है जिसे रापे कहते हैं। मतलब बीजांड ग्रंथ के जुड़ने के स्तर पर क्या पाई जाती है, एक उभरी हुई संरचना पाई जाती है जिसे रापे कहते हैं। तो कभी कभी बीजांड कायम होता है तो कभी कभी बीजांड ग्रंथ के जुड़ने के स्थान पर एक उभरी हुई संरचना पाई जाती है जिसे रापे कहते हैं। अब जो इसमें जो लास्ट भाग है बहुत ही प्रमुख भाग होता है इसका, बीजांड का गुरुधानी का, जिसे क्या होते हैं भ्रूणकोश, जो तो भाग जो होता है वो होता है भ्रूणकोश, और सब भाग भ्रूणकोश या मादा योनिकोश, भ्रूणकोश बोलते हैं एम्ब्रियो से, एम्ब्रियो वायो एस्केसी, एम्ब्रियो से ये वाला भाग जो तीर में दिखा रखा है यह सप्तकोशिकीय अष्ट केंद्र की होता है, बारे में आपका तो भ्रूणकोश ध्यान दीजिएगा। बीजांडकाय में, ये बीजांडकाय में, बीजांडकाय में बीजांड द्वार की ओर, ये बीजांडकाय है, बीजांडकाय में बीजांड द्वार की ओर ध्यान देना क्या पाई जाती है, एक चौड़ी एग्रेट, एक चौड़ी और थैलेनुमा एग्री संरचना पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं, भ्रूणकोश कहते हैं। आप दीजिएगा बीजांडकाय में, बीजांडकाय में किस ओर, बीजांड द्वार की ओर, ये पूरा बीजांडकाय है और ये बीजांड द्वार है, बीजांडकाय में बीजांड द्वार की ओर, बीजांड द्वार की ओर कैसे होती है, एक चौड़ी थैलेनुमा, एक चौड़ी थैलेनुमा
एवरेज हैप्लोइड एवरेज संरचना पाई जाती है जिसे भ्रूणकोश कहते हैं, जिसे भ्रूणकोश एम्ब्रियो से कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूणकोश। कहां पाई जाती है? बीजांडकाय में। बीजांड द्वारा जो बीजांडकाय कहां पाया जाता है? बीजांड में, बीजांडधानी में। प्रमुख संरचना होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इसके बाद जो होती है बीजांड काय द्वारा होती है प्रमुख संरचना होती है। आगे उसमें जो बीजांड काय, जी हाँ, जो बीजांड काय द्वारा जुड़ी होती है, तो बीजांड काय द्वारा जुड़ी होती है, ये जुड़ी बीजांड काय से। आगे देखो, आगे आते हैं इसमें कि भ्रूणकोश को मादा युग्मकोश कितने कहते हैं। फिर इसमें किस तरह होता है? मादा युग्मक की अंडकोश का होती है। बताएंगे आगे कि भ्रूणकोश को मादा युग्मकोदभेद फीमेल एम्ब्रियोफाइट मादा युग्मकोदभेद भी कहते हैं। हम आपको पहले बता चुके हैं मादा युग्मकोदभेद कहते हैं। आगे देखो, इसी में मादा युग्मक अंडकोशिका का निर्माण होता है। अंडकोशिका का निर्माण होता है। इसे हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। तो आगे टॉपिक इससे पहले हमारा होगा मादा युग्मकोश से पहले कौन सा गुरु बीजाणु जनन। ध्यान देना, को एक प्रारंभिक आवर्त बीजी भ्रूणकोश, सॉरी एक प्रारंभिक आवर्त बीजी बीजांड अर्थात भ्रूण बीजाणु धानी की संरचना के बारे में अध्ययन कराया। धन्यवाद।